मातोश्री ये एक जो वर्ड है हमारे तन्ना हिंदी तुम मराठी नहीं जरूर ओके ठीक है ओके चलो चलो चुकलो माँ साहेब यांची भूमिका साकारताना काही दडपण आलं होतं का काही टेन्शन आलं होतं का नमस्कार आणि ह्या फिल्म बरोबर मराठी चित्रपटात माझा डेब्यू होणार आहे सो आय एम व्हेरी व्हेरी एक्साइटेड नवाज जी का मराठी मेरे से बेटर है ऑफकोर्स सो उनका मराठी स्पीच अभी बाकी है बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि और मैंने पहले भी बोला था कि ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है ये एक सम्मान है एक कॉम्प्लीमेंट है हर एक्टर के लिए हर इंसान के लिए जो इस फिल्म के साथ जुड़ा है और माँ साहेब का रोल मेरे लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था अगर आप इंटरनेट पे भी गूगल करते हो तो वो कैसे ना उनके बारे में कुछ है वो इतनी मीडिया शाय थी वो हमेशा पीछे रहना पसंद करती थी एंड शी वॉज़ द आइडियल मदर द आइडियल हाउस वाइफ एंड वेरी वेरी पॉपुलर फॉर हर स्किल्स ऑफ यू नो होस्टिंग एनी वन हु वॉक्ड इनटू मातोश्री तो ऐसा मुझे ये इट वॉज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग आउट अ कैरेक्टर दैट आई हैड नॉट आई हैव नो रेफरेंस अबाउट एंड आई रियली होप आई हैव डन जस्टिस टू द रोल आई वॉन्ट टू थैंक संजय जी फॉर प्रेजेंटिंग दिस मूवी टू ऑल ऑफ अस हमारे सेट पे प्रोडक्शन में इतना बढ़िया माहौल था सेट का माहौल इतना फैंटास्टिक था एंड ऑफकोर्स आर डायरेक्टर अभिजीत पांडसे जी उद्धव जी द ठाकरे फैमिली फॉर गिविंग अस दिस फिल्म देयर 100% सपोर्ट सो दिस वन इज़ अ बिग वन एंड वी नीड योर सपोर्ट द वे यू आर गिविंग अस सो फार थैंक यू वेरी मच थैंक यू अब आप मराठी में बोलिए आणि आता आपण ज्यांचं बोलणं ऐकायला खूप आतुर झालेलो आहोत त्यांच्या आवाजामध्ये त्यांच्या दिसण्यामध्ये त्यांच्या रूपामध्ये आपल्याला पुन्हा एकदा बाळासाहेब भेटल्यासारखं वाटलं मला तरी ट्रेलर बघताना तर आणि बाळासाहेबांना जेव्हा जेव्हा जो जो माणूस महाराष्ट्रातला भेटला त्यासाठी त्याच्या आयुष्यातला तो सर्वात परमोच्च आनंदाचा क्षण होता तर तुम्हाला ती शाल पांघरताना ती माळ घालताना आणि हात वर करून सांगताना आणि तसं बोलताना आणि तसं काय अनुभव होता हाऊ वॉज इट टू परफॉर्म बाळासाहेब ठाकरे ऑन सिल्वर स्क्रीन बहुत ऑफकोर्स बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि बाड़ा साहब की जो पर्सनैलिटी है जो शख्सियत है वो उसमें बहुत रंग हैं एक्चुअली और आई थिंक वर्ल्ड के किसी भी एक्टर को अगर चांस मिले तो कोई भी करना चाहेगा क्योंकि इतना चैलेंज है इतने बड़े इतनी सारी चीज़ें हैं उनके पास और मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ बहुत लकी एक्टर हूँ मैं फॉर्चुनेट थैंक गॉड और थैंक्स टू राउत साहब जिन्होंने मुझे ये रोल प्रोवाइड किया ये रोल करने के लिए और एक ही बार देख के मुझे बोलते तो मुझे यकीन नहीं हुआ था जैसे मैंने पहले ही बताया कि बाहर और काफ़ी टाइम तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था लेकिन जैसे जैसे शूटिंग नज़दीक आती जा रही थी तो मैं नर्वस बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी हो गई थी मुझे क्योंकि आई डोंट नो क्योंकि और डे नाइट जितने भी यूट्यूब पे जितने भी बाला साहब के जितने भी स्पीचेस जितने भी इंटरव्यूज़ हैं सारे देख डाले राव साहब ने इतने बहुत सारी चीज़ें बताई उनकी छोटी छोटी चीज़ें बताई एंड देन शूटिंग जब स्टार्ट हुई तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर अभिजीत पान से तो उन्होंने एक दोस्त की तरह एक मुझे सिक्योर इन्वायरमेंट दे के वो क्योंकि एक्टर जो होता है आई थिंक बहुत नाजुक चीज़ होता है क्योंकि अगर उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो वो अपनी जान लुटाने को तैयार रहता है तो वो कॉन्फिडेंस मुझे अभिजीत ने दिया थैंक्स टू अभिजीत और बस मैं यही कहना चाहूँ तो मैंने मेरा ये हाल हो गया था कि जब मैं सोता था और कोई मुझे उठा दे तो मैं उसको आई थिंक हाफ एन आवर में पूरी स्पीच सुना सकता था हो मिस्टर बाल ठाकरे माझे व्यंग चित्र भगवान लेख वाचन तुम्हारा वाटला सिलकुण दिपाड़ उंडसल पण माणसाची था तो ये हाल मेरा हो गया क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था कि वो ईज जो बाला साहब का था जो स्पीचेस थी उनकी बाला साहब मतलब भीड़ और स्पीचेस और कन्वर्सेशन और लोगों के बीच में जाके जो उस तरह का जो उनका कन्वर्सेशन वो मुझे पकड़ना था हर हालत में बट वो बहुत सपोर्ट हुआ पूरी टीम का बहुत सपोर्ट था मेरे साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ देम एंड थैंक्स टू अभिजीत एंड थैंक्स
आज फिल्म वो हो रही है हमारी, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कार्निवल, वायकॉम, अभिजीत, अजीत अंधारी साहब को, जिन्होंने जिनके साथ मैं बहुत पहले से गैंग्स ऑफ वासीपुर से एसोसिएशन है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सर. एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि एक लम्हा होता है जिस लम्हे के लिए उसमें काफ़ी सारी फिल्में आ चुकी हैं कि इफ़ आई गेट अप एज समथिंग, मैं अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, मैं एक दिन सुबह उठाऊँ, मैं अपने आप को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पाऊँ, तो वो लम्हा जब पहले शूटिंग के पहले दिन आपको आपका मेकअप हुआ और आपने आईने में देखा और आपने देखा मैं नहीं हूँ, ये तो बाला साहब ठाकरे हैं, तो वो फीलिंग क्या थी? आई थिंक जब टीज़र हुआ था हमारा, पहले वहीं पे फीलिंग आ गई थी, और जब मैं गेटअप करके जब बाहर निकला तो हर चारों तरफ से यही हो रहा था, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र. और मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो सोच रहा था कि तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उसकी मैं अभिजीत से बहुत गुस्सा हूँ कि उन्होंने मुझे सेट पे कभी नहीं बुलाया, लेकिन अगर आप अपने किरदार में होते और तब मैं आपको देख लेता तो किसी भी शिवसैनिक के दिल में जो बात आती वही मेरे दिमाग में आती कि फिर से मुझे आपके चरण स्पर्श करने का आनंद मिलता. मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था जब उद्धव जी ठाकरे साहब जब आए थे, पूरी फैमिली के साथ आए थे फर्स्ट टाइम, जब मैं शूट कर रहा था, हम लोग इंदिरा गांधी वाला एक सीक्वेंस हो रहा था, तो वो जब जिस तरह से आके मिले तो वो उस तरह फील कर रहे थे कि अरे, मतलब मैं फील कर सकता था उस टाइम पे, मुझे लगा कि अरे ये मेरा बेटा है, मेरी बहू और बेटा आ गए.